सो गाइस देख सकते हो मैं आ चुका हूँ ब्राज़ील सर्वर के अंदर। देख सकते हो ये न्यू सर्वर है, इंडिया सर्वर के अंदर नहीं हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस अब देख सकते हो मैं आ चुका हूँ दूसरे सर्वर के अंदर, इंडोनेशिया सर्वर के अंदर। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे अपना फ्री फायर के अंदर सर्वर चेंज करते हैं। एंड गाइस मैं आपको बताऊँगा कि हमारी आईडी बैन होगी या फिर नहीं, मेन वाली जो अकाउंट होगी वो बैन हो जाएगी क्या, तो ये भी बता दूंगा। एंड गाइस बताऊँगा कौन सा सर्वर बेस्ट रहेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। तो गाइस यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दी तो फिर जो आप सर्वर चेंज नहीं कर पाओगे, फेल हो जाता है, ठीक है। सर्वर चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बीच में गाइस, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेप्स मेन होते हैं जो अगर नहीं फॉलो हुए तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। गाइस यार सर्वर चेंज करने के लिए सबसे पहले अपना अकाउंट जो आपको लॉगआउट कर देना है, अपना जो मेन वाला आईडी है ना उसको लॉगआउट कर देना है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं, एक न्यू अकाउंट बनाना है या तो गूगल का या फिर फेसबुक का या फिर गेस्ट का, ठीक है, जिसमें अभी कभी भी लॉगिन नहीं किया हो वाला अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने गेस्ट में लॉगिन कर रखा है, इसलिए मैं जो एक न्यू गूगल की आईडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो गाइस यार नेक्स्ट स्टेप क्या है ये बताता हूँ। आपको अपनी जो गेम की एप्लीकेशन है ना उसको मिनिमाइज़ करके रिमूव कर देना है। एंड गाइस एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वीपीएन की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस आपको बाद में बता दूंगा कौन सा वीपीएन फ्री है और बेस्ट रहेगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अभी अब देखना होगा कि यहाँ पर ना आपको सर्वर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सर्वर हैं। मेरे पास ब्राज़ील सर्वर की आईडी ऑलरेडी है, थाईलैंड की आईडी भी है, यूनाइटेड स्टेट्स की भी है, लेकिन मेरे पास जापान की आईडी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना जापान सर्वर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैंने सर्वर सेलेक्ट कर लिया और कनेक्ट वाले बटन पे दबा देना है, ठीक है। कनेक्ट वाले बटन पे यहाँ पर दबाऊँगा और कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पर जापान सर्वर से मैं अभी कनेक्ट हो जाऊँगा। उसके बाद दोबारा से अपना गेम ओपन कर लेना है। तो अभी मैं आपको सीधे गेम के अंदर जाके दिखाता हूँ। गाइस यार आपको सर्वर चेंज करने से पहले अपना ना गूगल पे जाके चेक कर लेना है कि आपका सर्वर चेंज हो चुका है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैंने अभी अभी चेक किया है गूगल पे जाके कि मेरा सर्वर चेंज हुआ या फिर नहीं, तो उसके अंदर दे रहा है कि मैं जापान सर्वर से कनेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। अगर इंडिया सर्वर से कनेक्टेड होना तो उसको जापान कर लेना, जो भी सर्वर चेंज किया है उसका नेम वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आया ना तो फिर आपकी जो न्यू आईडी बनाई है ना वो वेस्ट हो जाएगी, सर्वर चेंज नहीं होगा। एंड गाइस वही वाली आईडी में लॉगिन करना है जिसके अंदर आज तक लॉगिन नहीं किया। मेन वाली आईडी में लॉगिन मत करना, उसमें हो सकता है, क्योंकि वैसे तो कुछ होता नहीं है लेकिन जो पिंग्स होंगी ना वो बहुत हाई हो जाती हैं, इसलिए वाली आईडी लॉग आउट कर देना। एंड गाइस जो आप जिस न्यू आईडी में सर्वर चेंज करोगे ना वो परमानेंट आईडी हो जाएगी, फिर दोबारा दोबारा वीपीएन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है करना क्या है कि अपनी जो दूसरी वाली नूब आईडी है ना उसको लॉगिन कर लेना है। तो अभी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यार आप देख सकते हो मैंने न्यू आईडी लॉगिन कर ली है। एंड गाइस इसका जो नेम है वो भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर नेम नहीं आना चाहिए क्योंकि न्यू आईडी में कभी भी नेम नहीं आता, ठीक है। तो अभी जो है टैप टू बिगिन पे मैं क्लिक करूँगा और लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरा सर्वर चेंज हुआ है। एंड गाइस फिर आपको बताऊंगा बेस्ट सर्वर कौन सा रहेगा आपके लिए चेंज करने के लिए और बेस्ट वीपीएन कौन सा रहता है, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें ना लोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो अदर सर्वर होते हैं ना उनमें पिंग्स हाई आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वेट करना, ज़्यादा जल्दी मत करना वरना कुछ ग्लिच हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर लोडिंग हो रही है और अभी लेट्स बिगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा, देखना गाइज अभी। तो गाइज यार मेरे अंदर ना लेट्स बिगिन वाला ऑप्शन आ चुका है, तो देख सकते हो इसके अंदर बिगिनर सेलेक्ट कर लेना और लेट्स रोल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी जो हमारा न्यू अकाउंट है इसलिए गेम लगेगा सबसे पहले, क्योंकि गेम वाले हमें बताते हैं कैसे गेम को प्ले करना है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें पहले से ही खेलना आता है। तो यहाँ पर जो है मैं सर्वर चेंज कर चुका हूँ, अभी मेरा सर्वर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जो है इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लॉबी वगैरह खुलेगी। तो यहाँ से जो है मैं सीधा मैच लीव करके आपको अपना नेम चेंज करके सर्वर दिखाता हूँ कौन। देख सकते हो यहाँ पर मेरा नेम निक नेम चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो देख सकते हो एकदम ब्रांड न्यू आइडिया, लाइफ प्रूफ दिखा रहा हूँ सर्वर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नाम रख देंगे इसका और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे ये वाला सर्वर कैसा है, ठीक है। तो ये मैंने कंफर्म कर दिया और ये कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो मेरा सर्वर चेंज हो चुका है और यहाँ पर अब फ्री के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ के इवेंट्स चेक करेंगे, जापान सर्वर कनेक्ट हो चुका है। तो लैंग्वेज देख सकते हो और सर्वर भी देख सकते हो चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन क्रोनो इवेंट है ना इसके बारे में मैं कल बताऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो FFCS का इवेंट चल रहा है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा इवेंट चल रहा है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इवेंट्स की लोडिंग हो रही है क्योंकि दूसरा सर्वर है, धीरे धीरे करके थोड़े लोडिंग होगी, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो 100% सर्वर चेंज वर्क करता है। और मैं आपको अभी अपनी मेन वाली आईडी दिखाऊंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं, ठीक है।
तो गाइज अभी जो हम ब्राज़ील सर्वर और इंडोनेशिया सर्वर का रिव्यू करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा सर्वर बेस्ट रहेगा चूज़ करने के लिए। एंड गाइज देख सकते हो मुझे दूसरे सर्वर के अंदर मैं जैसे ही आया तो यहाँ पर मुझे क्लेम का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से मैं जो है क्लेम कर लूँगा और जो टोकन है ना वहाँ पर वाला उससे मैं कैरेक्टर ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सर्वर बिजी चल रहा है लेकिन अभी जो है ये क्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा क्योंकि गाइस ये दूसरा सर्वर है इसलिए थोड़ी लोडिंग होती है। तो देख सकते हो क्लेम हो चुकी हैं सारी चीज़ें और अभी चलेंगे हम यहाँ से लॉगआउट करेंगे और दूसरे सर्वर के अंदर जाते हैं। एंड गाइस अगर आपकी अगर लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो जैसे ही आपका सर्वर चेंज हो जाए आप वीपीएन हटा देना। तो देख सकते हो मैंने वीपीएन डिस्कनेक्ट कर दिया और वो डिलीट भी कर दिया है। ठीक है, तो आप जो है डिलीट कर सकते हो एक बार आपका जब सर्वर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ब्राज़ील सर्वर के अंदर, तो अभी देखते हैं इसके इवेंट्स कैसे चल रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से न्यू इवेंट्स आए हैं। तो यहीं से गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यू इवेंट कैसे आते हैं। तो यहाँ पर 80% का डिस्काउंट मिल रहा है इमोट पे, बैकपैक पे, पेन की स्किन पे और दो तीन न्यू बंडल है। ठीक है, ये इनका टॉपअप इवेंट है, देख सकते हो ये वाला इनका टॉपअप इवेंट है, 1 डायमंड के टॉपअप पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद न्यू लाइट पास ही हमारे सर्वर में भी चल रहा है। इसके बाद ये ऑपरेशन क्रोनो इवेंट है, ये इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये पता नहीं क्या चल रहा है, शायद कोई वेब इवेंट है इनका। ठीक है, या फिर ऑपरेशन क्रोनो इवेंट ही है। ठीक है, तो गाइस यार ऐसे करके सर्वर चेंज करते हैं और ब्राज़ील सर्वर दिखा देता हूँ कैसा है टोटली। तो ये जो है इसके इवेंट्स हैं, इमोट मिल रहा है एकदम रेयर इमोट इसके अंदर, यहाँ से ग्लू वॉल की स्किन एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ से नए नए बंडल एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लू वॉल की स्किन भी देखी थी, देख सकते हो कितने सारे बंडल हैं। तो ब्राज़ील सर्वर जो सर्वर है वो बेस्ट सर्वर माना जाता है फ्री फायर के अंदर। तो गाइस यार आपको पता चल ही गया होगा कि ब्राज़ील सर्वर जो है बेस्ट सर्वर क्यों है, देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे बंडल फ्री में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये गेम प्ले करके टोकन से कलेक्ट करना है और आप भी जो है सर्वर के अंदर जाके जो है ये सारे बंडल क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजीली क्लेम कर सकते हो, सिर्फ कुछ गेम के अंदर सिंपली जो है मिशंस कंप्लीट करने होते हैं, वो यहाँ पर पढ़ के आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लक रॉयल देख लेते हैं कैसा है यहाँ पर लक रॉयल। तो गाइज़ मेरे हिसाब से अगर आपको सर्वर चेंज करना है तो सिंगापुर या फिर इसी में चले जाना, और सिंगापुर सर्वर बिल्कुल इंडिया सर्वर जैसा होता है, वहीं से जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने अपन देखा होगा कि टुनाइट अपडेट डालते हैं, टुनाइट अपडेट वहीं से पता चलता है। ठीक है, वहाँ पर एडवांस न्यूज़ आ जाती है सिंगापुर सर्वर में इंडिया सर्वर की। ठीक है, तो गाइज़ यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।